दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में कीर्तन क्यों हो रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट डे है और अनवी भी काफी खुश हो रही है कि दादाजी के साथ सारा दिन खेलने को मिलेगा। और अनवी यहाँ पे अपने दादाजी का लाया हुआ परी ड्रेस पहन ली है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि डैडी के जॉब के पूरे 32 साल कंप्लीट हो गए हैं और डैडी अपने विदाई समारोह के लिए अपने कंपनी में गए हुए हैं। और आज के इस स्पेशल दिन पे हस्बैंड जी और जेठ जी भी पूरे बैंड बाजा के साथ अपने पापा को रिसीव करने के लिए कंपनी के गेट पे पहुंच गए हैं। और डैडी जी भी कंपनी से निकलते हुए काफी भावुक दिख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आप लोग तो जानते ही होंगे किसी भी व्यक्ति के लिए ये पल बहुत ही इमोशनल होता है कि जिस कंपनी में अपने लाइफ का इतना लंबा हिस्सा दिया हो उसे छोड़ के आज जाना पड़ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं जिन कंधों ने अपनी फैमिली की जिम्मेदारी का भार उठाया है उन्हें दोनों बेटे अपने कंधे पे उठाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और यहाँ गेट पर सभी वर्कर्स के साथ साथ उनके यूनियन लीडर भी डैडी जी को माला पहनाकर उनका स्वागत किए। गेट से सीधे सभी लोग यूनियन कार्यालय पहुंचे। वहां पर सभी लोगों के लिए चाय नाश्ता का व्यवस्था था और फिर यूनियन कार्यालय से निकलते समय सभी लोगों ने डैडी जी को शॉल देकर सम्मानित किया। और वो कहते हैं ना कि जिस साथी के साथ इतना वक्त बिताया हो उसे ऐसे ही कैसे जाने दे, तो सभी लोगों ने कहा कि आज तो आपको घर तक छोड़ के आएंगे। घर आते समय मोहल्ले के सभी लोग बैंड बाजा की आवाज़ सुनकर घरों से बाहर आ गए थे जैसे कि कोई बारात जा रही हो। तो भैया आज के दिन हमारे लिए कोई बारात से कम है क्या? और घर पहुंचते ही नाच गाने के साथ कैसा माहौल बना वो आप लोग आगे देखिए। और यहाँ पे घर में प्रवेश करने से पहले हम सभी लोगों ने डैडी का तिलक आरती से स्वागत किए। Thank you.
आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और डैडी जी का सेकेंड फेज ऑफ लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दीजिएगा। धन्यवाद।